नमस्कार दोस्तों, मैथ फिनिशर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैथ के वीडियो एकदम चैप्टर वाइज बेसिक से मतलब जीरो लेवल से डाले जा रहे थे, उसी प्रकार इस पे रीजनिंग के वीडियो भी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से जीरो लेवल से डाले जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसका एक पार्ट पहले कम्प्लीट हो चुका है, यानी कि वर्णमाला परीक्षण का पार्ट नंबर एक पहले कम्प्लीट हो चुका है। तो आज का हमारा पार्ट है वर्णमाला परीक्षण का पार्ट नंबर दो। तो इसमें हमने पार्ट नंबर एक में बेसिक चीज़ें देखी थी कि यानी कि वर्णमाला के किस अंक किस संख्या पे कौन सा शब्द आता है, ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है, के कितने नंबर पे आता है, उनका विपरीत क्रम देखा था और उनके कुछ बेसिक नॉलेज थे जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं, जहाँ पर एकदम बेसिक से मतलब एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट की गई है रीजनिंग, वो भी वर्णमाला परीक्षण। और हर एक चैप्टर यहाँ पर रीजनिंग और मैथ का बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया गया है, बिल्कुल कमज़ोर छात्रों के लिए मतलब जीरो लेवल से, यानी कि यहाँ ट्रिक वाला मेथड और बेसिक मेथड दोनों के द्वारा क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ मैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो वर्णमाला परीक्षण का पार्ट नंबर टू। तो इसमें हम टाइप नंबर पहली देखेंगे कि टाइप नंबर एक में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और हम इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो देखते हैं कि शब्दों का वर्णमाला क्रमांक, यानी कि देखें कि शब्दों का वर्णमाला क्रमांक या क्रम के अनुसार किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। हम इसको क्या करेंगे कि इसमें शब्दों को शब्दकोश के अनुसार हमें जमाना होता है, जैसा कि आपको डिक्शनरी में होता है कि डिक्शनरी के बारे में आप सभी को पता होगा कि डिक्शनरी में जो मीनिंग होती है वो किस प्रकार अल्फाबेट तरीके से यानी कि वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित होती है, उसी प्रकार हमें इसमें इन शब्दों को वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार जमाना है। तो क्वेश्चन हमारा पहला है कि जयपुर, दिल्ली, गोवा और आगरा, इसमें हमें देखना है कि इनको क्रम के अनुसार जताना है, क्रम वाइज जताना है कि पहले कौन सा शब्द आएगा, बाद में कौन सा शब्द आएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि डिक्शनरी में ए पहले नंबर पर आता है, ए एक नंबर पर आता है, फिर डी चार नंबर पर आता है, फिर जी सेवन नंबर पर आता है, फिर जे दस नंबर पर आता है। तो आपको पता है कि एक नंबर पर यह आएगा, दो नंबर पर यह आएगा, तीन नंबर पे ये आएगा और चार नंबर पे ये आएगा। इनको हमें क्रम वाइज जताना है कि एक नंबर पे, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो इस प्रकार ये आएगा। तो हमें इसको इस प्रकार में ये जचाने हैं। तो इस प्रकार जचाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक नंबर पे आगरा आएगा, दो नंबर पे दिल्ली आएगा, तीन नंबर पे गोवा आएगा और चार नंबर पे जयपुर आएगा। तो हमें इनको शब्दों को वर्णमाला क्रमांक या क्रम के अनुसार जमाना है, जैसे कि हमें डिक्शनरी में हमारे पास मीनिंग दी होती है उसी प्रकार इसको हमें जचाना होता है। तो ऐसा क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन है जो कि लगभग एसएससी और बैंक और लगभग सभी एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, यानी कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हमें किस प्रकार जचाना होता है। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि ए कितने नंबर पर आता है, जी कितने नंबर पर आता है, आर कितने नंबर पर आता है, ए कितने नंबर पर आता है, इनको मतलब याद करने का मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि हर एक शब्द को हम किस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो आप वो वाला वीडियो जाके देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके दोस्तों। तो आगे एक क्वेश्चन और करते हैं इसे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगला प्रश्न है हमारा कि शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, जो हमें ये पांच शब्द दे रखे हैं उनमें तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा यह हमें देखना है। तो ये पाँचों शब्द है, इसमें एच ई, इसमें भी एच ई और इसमें भी एच ई और इसमें भी एच ई और इसमें भी एच ई, ये पांचों में सेम दे रखा है, तो इन चीज़ों को छोड़ देना है। अब हमें आगे से देखना है कि आगे से कौन सा अक्षर आ रहा है वो, और वो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन सा अक्षर आता है ये हमें देखना है। तो इसमें आर आ रहा है, इसमें एल आ रहा है, इसमें सी आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, इसमें आर आ रहा है। तो आपको पता है कि इन सभी में सी पहले आता है, सी तीन नंबर पर आता है, तो एक नंबर पर सिंपली आपका ये हो जाएगा, क्योंकि इन सबसे पहले सी आता है तो ये आपका एक नंबर हो जाएगा। अब हमें देखना है, अब हमें क्या देखना है, अब सी के बाद में क्या करेंगे हम, सी के बाद में आर आता है या एल आता है या आर आता है, ये आपको देखना है। तो आर आपका 18 नंबर पे आता है, आर आपका 18 नंबर पे आता है और एल आता है आपका 12 नंबर पे, तो आपका दो नंबर पे ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर होने के बाद में आपको क्या करना है कि अब यहाँ इसमें भी आर सेम है, इसमें भी आर सेम है, इसमें भी आर सेम है, तो अब आपको आर को छोड़ देना, आर वाले आगे अक्षर लेना है, इसमें आई आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, तो आपको देखना है कि आई पहले आता है या ओ पहले आता है। तो आई आपका नौ नंबर पे आता है कि आई नाउ,
तो आई 9 नंबर पे आता है और इस जोटी से ओ 15 नंबर पे आता है, तो आई पहले आता है तो 3 नंबर पे ये हो गया। अब आपको यहाँ से देखना है, यहाँ ओ सेम है, यहाँ ओ सेम है, तो उसके बाद में यहाँ आई सेम है और यहाँ आई सेम है, तो उसके बाद में देखना है यहाँ सी है और यहाँ एस है, तो सी पहले आता है या एस पहले आता है, तो आपको पता है कि सी पहले आता है, तो सी पहले आता है तो ये हो गया आपका 4 नंबर और ये हो गया आपका 5 नंबर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि तीसरे स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो तीसरे स्थान पर हमारा कौन सा शब्द आएगा, तो तीसरे स्थान पर हमारा शब्द आएगा हेरिटेज, जो कि तीसरे स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा, तो यह हमारा इसका आंसर हो गया। तो इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले विपरीत क्रम में, आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है कि विपरीत क्रम पूछ रहे हैं यहाँ, विपरीत क्रम के अनुसार लिखो, यहाँ आपको विपरीत क्रम के अनुसार इनको लिखना है दोस्तों। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इन सब में एस टी और ये एस टी सेम आ रहा है, तो इससे आगे वाले शब्दों को देखना है आपको, इसमें ई आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, तो आप सबको पता है कि ए पहले आता है, तो एक नंबर पे आपका हो गया ए। उसके बाद में देखना है कि ई पहले आता है या आई पहले आता है या ओ पहले आता है, तो आप सबको पता है ई पहले आता है, पर ई इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में ई कॉमन है, तो इसके बाद में क्या करना है आपको, सिंपली ई इन दोनों में कॉमन है तो ई के बाद में चल रहा है, यहाँ आर है और यहाँ ई है, तो आर पहले आता है या ई पहले आता है, ई पहले आता है, तो ये हो गया हमारा दो नंबर पे हो गया और ये हमारा 3 नंबर पे हो जाएगा। 3 नंबर पे होने के बाद में ये दो शब्द बचे, तो यहाँ ओ है और यहाँ आई है, तो आपको पता है कि ओ पहले आता है या आई पहले आता है, आई 9 नंबर पे आता है और ओ 15 नंबर पे आता है, तो ये वाला आपको पहले आएगा, तो ये हो गया हमारा 4 नंबर और ये हमारा हो गया 5 नंबर। अब हमें इसको विपरीत क्रम में लिखना है, तो विपरीत क्रम में लिखेंगे तो पहले क्या आएगा, पहले 5 नंबर का आएगा, तो पहले 5, तो इन शब्दों में देखिए पहले 5 फिर 4 यानी कि पहले 5 नंबर का आएगा, तो 5 नंबर का आएगा, तो 5 कौन से स्थान पर है, 4 नंबर पे, तो पहला ये ऑप्शन हो गया, फिर आएगा 4 नंबर पे, ये इसका कौन सा ऑप्शन है, 5 नंबर, तो ये हो गया 5। उसके बाद में 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर है 1 नंबर पे, तो ये 1 हो गया। उसके बाद में आएगा ये 3 नंबर का, तो 3 नंबर ये हो गया, फिर 1 नंबर का सबसे लास्ट में आएगा, ये हो गया, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया, यानी कि इसको विपरीत क्रम के अनुसार हमें जचाना था, यानी कि 5 से स्टार्ट करना है न कि 1 से स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको पर्सन को अच्छे से पढ़ना होगा ताकि आपका क्वेश्चन आते हुए भी गलत ना हो दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते तो आप इसमें सिंपली श्योर है कि आप इसको टिक करके आते, इसको टिक करके आते तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ विपरीत क्रम पूछ रहा है, तो हमें विपरीत क्रम में लिखना था दोस्तों। अब देखते हैं इसकी अगली टाइप है हमारी कि शब्दों के अक्षरों के मध्य अंतराल, ये वाली चीज़ हमें दूसरी नंबर की टाइप में देखनी है। इसमें क्या होता है कि उतना ही अंतराल लेना होता है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, हमें अक्षरों के बीच में उतना ही अंतराल लेना होता है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, और अंतराल दोनों ओर से देखते हैं हम, अंतराल एक तरफ से नहीं देखते हैं, हम राइट साइड से भी देखते हैं और लेफ्ट साइड से भी, दोनों तरफ से हमें अंतराल देखना होता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको भाषा शैली समझ में नहीं आई होगी, तो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये टाइप किस प्रकार की है और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे पास दे रखा है, सब दे रखा है कि एप्पल में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। तो ये पूछा है इसमें कि एप्पल के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। तो सिंपली पहले हमें क्या करेंगे, सिंपली हम पहले एप्पल को लिख लेंगे। एप्पल को लिखने के बाद हमें इसको कि ए कितने नंबर पर आता है, पी कितने नंबर पे आता है, पी कितने नंबर पे आता है, एल कितने नंबर पे आता है, ई कितने नंबर पे आता है, इनकी हम काउंटिंग कर लेंगे, यानी कि इनके नंबर इसके सामने लिख देंगे। तो ए हमारा आता है 1 नंबर पे, पी हमारा आता है 16 नंबर पे, पी आता है हमारा 16 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, ई आता है 15 नंबर पे। इनको याद करने का तरीका मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इनको आप किस प्रकार के आसानी से याद कर सकते हैं, तो आप पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। अब इसको किस प्रकार, इसको सोलह किस प्रकार करते हैं, सोलह इस प्रकार करते हैं कि हम यहाँ से काउंट करेंगे कि एक से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि
अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर मध्य आ रहे हैं जितने इसके में होने चाहिए, यानी कि एक से काउंट करने पर यहाँ पाँच पे आके पाँच हमें मिल रहा है, यानी कि एक से काउंट करने पर पाँच हमें मिल रहा है, तो एक जोड़ा तो हमारा पास ए और ई का बन गया। उसके बाद में करें कि हम 16 से, तो 16 से 17, 18, 19 नहीं बन रहा, फिर 16 से 17, 18 नहीं बन रहा, फिर 12 से 13 नहीं बन रहा। अब हम उल्टी साइड से भी चलेंगे तो 5 से हम चलेंगे कि 5 से 6, 7, 8, 9 कोई सा भी अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य नहीं आ रहा, फिर 12 से भी नहीं आएगा, 16 से भी नहीं आएगा और फिर 1 से भी नहीं आएगा, तो इसमें केवल एक जोड़ा ही बनेगा, ए और ई एक युग्म ही बनेगा जो कि उसके मध्य उतना ही अंतराल है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, हम इसको इस प्रकार सोल्व कर लेंगे। अब हम इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नोवल, हमें नोवल दे रखा है, तो नोवल के शब्दों को लिख लेंगे, फिर एक एक शब्द कौन कौन से स्थान पर आता है वो लिख लेंगे। एन आपका आता है 14, यानी कि मन होता है विचलित 13-14 में। उसके बाद में इजोटी से आप 15 कर लेंगे, ओ का वी यानी कि विवाह होता है 22 साल में, ये इजोटी से कर लेंगे 5, और एल होता है 12, ये आप लंच यानी कि 12 बजे होता है, तो ये हो गया 12। अब आप यहाँ से काउंट करेंगे कि 14-15, तो आपका एक युग्म तो यही बन गया, यानी कि एन और ओ का यही बन गया एक युग्म। तो उसके बाद में काउंट करेंगे कि 14-15-16-17-18 नहीं बन रहा, फिर 15 से करेंगे 15-16-17-18 ये भी नहीं बन रहा, फिर 22 के आगे तो छोटी संख्या आ गई तो ये तो बनना ही नहीं है, 5 से भी नहीं बनेगा। फिर हम उल्टी साइड से चलेंगे तो 12 से हम चलेंगे 13-14-15, तो एक हमारा ये बन गया एल और ओ का बन गया, दूसरा जोड़ा एल और ओ का बन गया, पहला बन गया था एन और ओ का। उसके बाद में 5 वाला भी नहीं बनेगा, 22 से भी नहीं बनेगा, 14 से भी नहीं बनेगा, तो इसमें हमारे पास दो जोड़े बने, यानी कि नोवल में ऐसे दो जोड़े हैं उसके मध्य उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं दोस्तों। तो ये थी हमारी दूसरी टाइप की शब्दों के अक्षरों के मध्य अंतराल, तो आप इसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हमारी अगली टाइप। अगली टाइप देखने से पहले हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमें यह नंबरिंग दे रखा है तो इसमें कितने युग्म हैं आपको ये पूछा है, नंबरिंग से भी पूछ लेता है। सिंपली हमने नंबरिंग को लिख लिया 5, 2, 3, 6, 1, 9, 8 और 4 लिख लिया। अब सिंपली हमें यहाँ एक से काउंट करेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हम इसमें देखेंगे कि एक की सिद्ध में 5 आ रहा है, 2 की सिद्ध में 2 आ रहा है, तो एक युग्म तो ये बन गया, दूसरा युग्म ये बन गया, उसके बाद में कोई सा युग्म भी नहीं बन रहा है, यानी कि इसमें दो युग्म बन रहे हैं क्योंकि जो काउंटिंग नंबर के हिसाब से है वो इसमें मैच कर रही है, यानी कि 2 के सिद्ध में 2 है, 3 के सिद्ध में 3 है, तो इसमें दो जोड़े बन रहे हैं हमारे पास, एक तो 2 का बन रहा है और एक 3 का बन रहा है। तो अगली टाइप देखते हैं हम, टाइप नंबर 3 यानी कि अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण। यानी कि इस टाइप को करने के लिए आपको क्या करना होता है, इस टाइप को करने के लिए आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस प्रकार के प्रश्न को यानी कि इस टाइप के प्रश्न को कर सकते हैं। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इस प्रकार का शब्द दे दिया जाता है और उसमें पूछता है कि 5 नंबर के 6 नंबर के 7 नंबर के 8 नंबर के शब्दों को मिलाकर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप उन शब्दों को मिलाकर अच्छे से अर्थपूर्ण शब्द बना लोगे, और अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो आप उसको क्वेश्चन यानी कि मीनिंग अर्थपूर्ण शब्द नहीं बना पाओगे। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द के 5वें, 7वें, 8वें, 9वें और 13वें अक्षर का प्रयोग कर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे, एक शब्द का प्रयोग केवल एक बार ही करना है, यानी कि जो एक शब्द है उसका प्रयोग हमें एक बार ही करना है और उसका कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हमारे पास 5, 7, 8, 9 और 13 पर हमारे शब्द आते हैं, 5 पे एक है ए है, 7 पे आर है, 8 पे डी है, 9 पे आई है और 13 पे वाई है, तो इससे हमें अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो इससे अर्थपूर्ण शब्द केवल एक दो बनते हैं, पहला तो हो गया डायरी, जो डायरी होता है वो इन्हीं शब्दों से मिलकर बनता है, ये हो गया हमारा पहला अर्थपूर्ण शब्द। दूसरा बनता है डेयरी, जो इसका होगा दूसरा अर्थपूर्ण शब्द, इसी शब्दों से मिलाकर हम दो अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं, डायरी और डेयरी दो शब्द बना सकते हैं। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप इनको बड़ी आसानी से बना सकते हैं, अगर नेता ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूट सकता है क्योंकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है। तो अब देखते हैं इसका ही अगला क्वेश्चन और एक
अगला क्वेश्चन है हमारा कि ARTSE कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे एक शब्द का प्रयोग केवल एक बार ही करना है। हमें यह शब्द दे रखे हैं और इसका हमें प्रयोग करके, इन शब्दों का प्रयोग करके हमें शब्द बनाना है और एक शब्द का प्रयोग हमें एक बार ही करना है। तो पहला होगा स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना या एक टकटकी लगाकर देखना, तो एक शब्द तो हमारा यह बन गया। दूसरा हो गया टीयर्स। टीयर्स का मतलब होता है आंसू, तो दूसरा शब्द हमारा यह बन गया। तीसरा हो गया रेट्स यानी कि दरें, दर के हिसाब से तीन शब्द इसके अर्थपूर्ण शब्द हम इस शब्द से बना सकते हैं दोस्तों। तो ये थी हमारी वर्णमाला परीक्षण का पार्ट नंबर 2। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, साथ ही अपने कमज़ोर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इस पर जो भी चीज़ आपको चैनल पर मिलेगी एकदम जीरो बेसिक लेवल, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट की गई है, वो भी चैप्टर वाइज। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।